गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट बीकॉम पार्ट फर्स्ट एबीएसटी पेपर फर्स्ट। स्टूडेंट्स, लास्ट जो अपनी क्लास थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया था और उसकी टेबल क्रिएट की थी। आज अपने को क्या करना है, लेसी की बुक में इंट्रिया करनी है और अकाउंट मेंटेन करनी है। तो टेबल जो आपने नोटबुक में नोट की थी वो टेबल से ही, जैसे ये आप देख पा रहे हो ये क्वेश्चन नंबर 3 की टेबल है, इस टेबल की हेल्प से ही हम इंट्रिया कंप्लीट करेंगे और अकाउंट मेंटेन करेंगे। इसलिए आपके पास जो टेबल है वो आप अपने पास रखना, उसी से मैं अमाउंट देखकर टेबल क्रिएट करूंगा, ठीक है। बुक ऑफ लेसी, लेसी बुक में अपने को क्या करना है, इंट्रिया करनी है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर आप ये ना, आपको पता है अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं किसके लिए, 12 मंथ के लिए, ठीक है। 6-6 महीने की जो एंट्री है वो उसके लिए एंट्री 1 वर्ष में की जाएगी। आपको बता देते हैं एंट्री क्या होगी। फर्स्ट आपको पता है एंट्री क्या होती है, रॉयल्टी ड्यू करने की, पेमेंट करने की और ट्रांसफर करने की, ठीक है। रॉयल्टी ड्यू करने की एंट्री फर्स्ट होती है, रॉयल्टी DR, शॉर्ट वर्किंग DR टू लैंडलॉर्ड। देन सेकेंड एंट्री क्या होती है, पेमेंट करने की, लैंडलॉर्ड DR टू बैंक, ये पेमेंट की है। थर्ड एंट्री क्या होती है, P&L DR टू रॉयल्टी, ये होती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट अपने को क्या करना है कि ये एंट्रियाँ करनी है कितने ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, ठीक है। यस, स्टार्ट। फर्स्ट एंट्री है रॉयल्टी अकाउंट DR, सो वर्किंग अकाउंट DR टू लैंडलॉर्ड, टू लैंडलॉर्ड। अब रॉयल्टी देखिए कितनी है, 50,000। शॉर्ट वर्किंग कितनी है, 40,000 और ये हो गया 90,000। क्लियर। आप अपने टेबल में फर्स्ट कॉलम में जो लाइन में लिखा ना, रॉयल्टी लिखिए 50,000, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग लिखी है 40,000, टोटल हो गया 90,000। इसके बाद सेकेंड लैंडलॉर्ड अकाउंट DR टू बैंक, लैंडलॉर्ड अकाउंट DR टू बैंक, तो ये पेमेंट की एंट्री है। तो पेमेंट वाला जो अपना है कॉलम वहां देखिए 90,000। क्लियर। थर्ड एंट्री रॉयल्टी ट्रांसफर टू P&L, P&L अकाउंट DR रॉयल्टी, P&L अकाउंट DR टू रॉयल्टी, कितने जो यहां लिखते हो ना वो ही यहां ट्रांसफर करनी है, तो ये 50,000। ये हाफ ईयर की जो एंट्री है वो कंप्लीट हो चुकी है, नोट कर लिया। ये नोट करने के बाद आगे बढ़ते हैं अपन, इकतीस दिन को मतलब सेकेंड लाइन में है वो देखिए। अब एंट्री विल बी सेम, अमाउंट चेंज, अमाउंट आप अपने टेबल से देख के मेरे को बताओगे कि ओवरऑल कितनी है,
60,000, शॉर्ट वर्किंग है 30,000, टोटल हो गया 90,000। ये रॉयल्टी पेबल ड्यू करने की, शॉर्ट वर्किंग ड्यू करने की एंट्री है आपके सामने। रॉयल्टी दिया, शॉर्ट वर्किंग दिया, फुल लेंथ। देन सेकंड एंट्री होगी पेमेंट करने की, तो पेमेंट करने की एंट्री करते हैं अपन। लैंडलॉर्ड डीआर टू बैंक, ये पेमेंट किया है हमने हाफ ईयर के बाद, ठीक है। और लास्ट डिग्री है ट्रांसफर करने की, पीएनएल डीआर टू रॉयल्टी दिस मंथ। पीएनएल डीआर टू रॉयल्टी दिस मंथ, क्लियर समझ आ गया ना आपके? आप चाहो तो ये लास्ट एंट्री है ना, ये एक साथ कर सकते हो, जैसे पीएनएल डीआर टू रॉयल्टी हाफ ईयर की, हाफ ईयर के टोटल करके, ठीक है, 12 महीने की एक साथ एंट्री कर सकते हो अकाउंट क्लोज कर इसमें, ठीक है। और अलग अलग चीज़ें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, अब ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है हाफ हाफ करके, ठीक है। यस, नोट करिए। अभी सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ है 16-17 के लिए। अब इसमें अपन 30-9 स्टार्ट, ठीक है। अब आपको कि सर ये रॉयल्टी एंट्रीज विल बी सेम थी, आपने क्लीन कर दिया, बिल्कुल ये आपको ध्यान रखना है। फिर करेंगे ये फर्स्ट एंट्री, सेकंड पेमेंट की डीआर टू बैंक 90,000, ठीक है। थर्ड एंट्री में ट्रांसफर करना है, आप चाहो तो इसको लास्ट में कर सकते हो। वो अपन लास्ट में करते हैं, ये नोट कर लीजिए। रॉयल्टी को ट्रांसफर करना है ना पीएनएल में, वो एनुअली कर देंगे, ठीक है। हाफ ईयर या हाफ ईयर नहीं करेंगे, ये नोट कर लीजिए आप। कर लिया क्या नोट? ये देखिए अब ये अपने आ जाएंगे कितने, 31 मार्च रॉयल्टी दिया 11,000, शॉर्ट वर्किंग नहीं है ये, 1,10,000, ठीक है। लैंडलॉर्ड डीआर टू बैंक पेमेंट करते हैं, पेमेंट में आई थिंक किया इसमें पेमेंट 90,000, पेमेंट किया है 90,000, क्योंकि इसमें आपने रिकूप किया ना इसके स्क्रेच में 90,000। अब देखिए इसमें नया अकाउंट क्या है, यहाँ है लैंडलॉर्ड कितना, तो ये ही अकाउंट यहाँ लिखना है, लिख दिया। और यहाँ क्या लिख देंगे, शॉर्ट वर्किंग, ये हो गया रिपोर्ट, ठीक है। ये जो 1,10,000 थी, 1,10,000 से हमने पेमेंट किया है, कैश में दिया है 90,000 और शॉर्ट वर्किंग रिकूप किया है 20,000, क्लियर। इसके बाद थर्ड एंट्री,
पीएनएल अकाउंट डीआर, पीएनएल अकाउंट डीआर टू रॉयल्टी, अब टू रॉयल्टी में कितना पूरे वर्ष की रॉयल्टी अपन काउंट करें यहां से कितनी होगी, वो 2,00,000 कितनी हो जाएगी 2,00,000, 1,10,000 तो ये है और वो 90,000 होती, तो ये कितनी होगी इस वर्ष की टोटल रॉयल्टी कितनी है 2,00,000 जो अपने को पी एंड एल में ट्रांसफर करनी है। इस पूरे वर्ष की 12 महीने की रॉयल्टी कितनी है 1,02,00,000 रुपये, 90,000 तो फर्स्ट 6 मंथ की थी और 1,10,000 लास्ट 6 मंथ की है, टोटल एनुअली 2,00,000 की रॉयल्टी जो पी एंड एल में ट्रांसफर करनी है। साथ में इसमें यहाँ लिखना है टू शो टू वर्किंग, एक इस बात का ये रिप्रूफ आपने किया है, देखिए 50 पी एंड एल में ट्रांसफर की है, रिकूप तो कितना किया है 20,000 और 50,000 पी एंड एल में ट्रांसफर किए हैं, डेट एक्सपायर हो गई थी इसलिए, आपको याद हो तो डेट क्या होगी थी एक्सपायर हो गई थी, तो रिक्यूपमेंट में यदि नहीं हो पाता है तो उसको बोलते हैं अनरिक्यूपेबल अमाउंट, उसको आपने पी एंड एल में ट्रांसफर किया था। तो ये 2,50,000 से एंट्री आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है, करिए नोट। लास्ट थर्ड ईयर में हम पहुंच गए हैं, स्कीम देगा 30/6 रॉयल्टी अकाउंट दिया, परसेंटेज 2 लैंडलॉर्ड, ठीक है 2 लैंडलॉर्ड कितने हैं 1,30,000, ठीक है इस डेट में आप अपनी टेबल में देखिए 1,30,000। दूसरा पेमेंट करते हैं लैंडलॉर्ड डीआर टू बैंक 1,30,000 और रॉयल्टी ट्रांसफर करनी है पी एंड एल में बाद में करेंगे, ये कर लीजिए। फिर नेक्स्ट एंट्री फिल करते हैं, डेट चेंज कर देते हैं 31 मार्च, रॉयल्टी डी आर यहाँ शो टू वर्किंग को लिख देना डी आर, रॉयल्टी डी आर 80,000 ये हो गया 10,000 ये 90,000 पेमेंट लैंडलॉर्ड को करेंगे वो 90,000, ट्रांसफर करने की है वो है पी एंड एल अकाउंट डी आर टू, पी एंड एल अकाउंट डी आर टू रॉयल्टी, ठीक है होलियर की रॉयल्टी होलियर की अपन देखेंगे तो ये रहेगी 2,10,000, 2,10,000 और 2,00,000 10,000 जो पी एंड एल में आपने ट्रांसफर किए थे वो है 10,000 जो आपने पी एंड एल में ट्रांसफर किए थे स्टूडेंट वो है ये 2,00,000, ठीक है तो ये नोट कर लीजिए आप। लेसी की बुक में हमने ये कंप्लीट कर ली है, अब स्टूडेंट आपको क्या करना है बुक ऑफ लैंडलॉर्ड आपको मेंटेन करनी है, उसमें आपको क्या करना है उसमें आपको इंट्रिया करनी है, जो मैंने ये इंट्री की है यही इंट्री आप करोगे रिवर्स करते हुए, रिवर्स करो तो आपको याद ये रखना है कि जहाँ पर सो वर्किंग है वहाँ पर आरआर लिखा जाएगा रॉयल्टी रिजर्व, और जहाँ पर लैंडलॉर्ड लिखा है मैंने वहाँ पर अब आपको लेसी लिखना है, क्योंकि ये लेसी की बुक है
तो लेसी लैंडलॉर्ड का नाम लिखता है, लैंडलॉर्ड है वो लेसी का नाम लिखता है। शॉर्ट वर्किंग है तो इसके लॉस हो रहा है और इसके जो लॉस होता है वो लैंडलॉर्ड के लिए क्या होता है, बेनिफिट होता है। तो अब बात आप समझ गए होंगे स्टूडेंट ये चेंजेस क्यों किए जाते हैं, ठीक है। ये चेंजेस ये नहीं कि अपने माइंड में रखना है, याद रखना है, ऐसा नहीं कहा है। ये चेंजेस आप अच्छी तरह से समझ गए हो, आप कॉलेज में पढ़ने लगे कि भाई वो ये बुक ऑफ लेसी है तो बुक ऑफ लेसी में लेसी का नाम नहीं लिखा जाता, ये लैंडलॉर्ड का नाम लिखता है तो वो इसका नाम लिखेगा। अगली बात, शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या होता है, लॉस होता है। तो जब एक पार्टीज को लॉस होता है दूसरे को क्या होता है, बेनिफिट होता है। तो लेसी को जो लॉस हुआ है उसके लिए लैंडलॉर्ड के लिए क्या है, बेनिफिट है, तो रॉयल्टी रिजर्व लिखता है। क्लियर, तो ये काम आप करना। अब नेक्स्ट क्लास में अपन इसी क्वेश्चन के लेसी ग्रुप में अकाउंट मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो ये काम आप कंप्लीट करना। थैंक्स।